नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमारे बीच जो है काफी ब्रॉडकास्टर्स ने अपने नए प्राइस जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2021 से जो है हम आपके बीच सभी चैनल्स के जो दाम है कुछ बढ़ा देंगे, कुछ घटा देंगे। और चैनल से जो दाम बढ़ाए गए हैं वो उतने ज्यादा बढ़ाए गए हैं कि उससे कहने की कस्टमर जो है वो काफी परेशान नजर आने लगा है कि अगर 1 दिसंबर के बाद ये दाम वाकई में लागू हो गए तो हमारा जो बजट है वो काफी बढ़ने वाला है। तो ऐसे में ट्राई ने दोस्तों क्या किया है, जो NTO 2.0 है यानी कि न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 है, जो कि हमारे बीच अगले महीने दिसंबर से ही लागू होने जा रहा था, उसको उन्होंने पोस्टपोन करते हुए 1 अप्रैल 2022 तक कर दिया है। यानी कि अब जो मामला है वो कहने की 2 से 4 महीने और लटक गया है ट्राई की ओर से। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, यानी आपके ट्राई की ओर से NTO 2.0 जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कुछ महीने के लिए और स्थगित कर दिया गया है। अब ये जो स्थगित है वो आपके लिए अप्रैल तक किया गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से जो है नया नियम आपके लिए लागू होगा। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उससे आपको ये फायदा होगा कि जो प्राइजेस जो आपके लिए अगले महीने से बदलने जा रहे थे, वो जो DTH ऑपरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब अप्रैल से आपके लिए इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए अगर ब्रॉडकास्टर अगले महीने से भी प्राइस को बढ़ा देते हैं 1 दिसंबर से, तो कहीं ना कहीं जो DTH ऑपरेटर आपके केबल ऑपरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो नियम है वो अप्रैल से ही इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो ये आपके DTH ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर पर भी निर्भर करता है। बाकी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर ट्राई ने इस नियम को आगे बढ़ा दिया है तो कहीं ना कहीं जो आपके DTH ऑपरेटर्स हैं या केबल TV ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी ये जो नए दाम है वो तभी लागू करने चाहिए। बाकी आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं दोस्तों, वो आपके जो प्राइजेज हैं वो अगले महीने से भी बढ़ा भी सकते हैं या उसको वह कुछ वक्त के लिए टाल भी सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टर के ऊपर भी निर्भर करता है। तो बाकी जो चैनल्स की लॉन्चिंग होने जा रही थी उसको लेकर फिलहाल तो दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि स्टार इंडिया ने पहले घोषित किया हुआ है कि हम जो है काफ़ी नए चैनल्स 1 दिसंबर से लॉन्च करेंगे, कुछ चैनल्स को बंद करेंगे, तो वो जो फैसला है वो अभी तक जारी है। आगे चलकर अगर कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में भी हमको जल्द ही सूचित करेंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट चल रहा था दोस्तों, उसी के बारे में मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। बेशक आपके लिए NTO 2.0 को आगे तक बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी आपके DTH ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर पर निर्भर करता है कि वो इसे कब से इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी अगर एक गवर्नमेंट की मानेंगे तो कहीं ना कहीं इनको जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिर 4 महीना, जैसे कि आपको मैंने बताया है 1 अप्रैल तक जो नियम टाल दिया गया है, तो तब तक तो उनको इंतजार जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 से 4 महीने की जो राहत है वो ग्राहक को जरूर मिल जाएगी। आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अपने राय जरूर दीजिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी वीडियो जो भी है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और साथ ही में हमारी ऑफिशियली वेबसाइट journalismguide.in भी अवेलेबल है, वहां पर भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन पोस्ट लिखते रहते हैं। तो कृपया करके उसे भी सपोर्ट करें, वहां पर भी हमें फॉलो करें और हमारी पोस्ट को पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं अपने मनपसंद DTH प्रोडक्ट्स की, चाहे आप किसी DTH कनेक्शन को खरीदना चाहते हैं, बिना डिशन टीने के कोई भी DTH कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, चाहे वो टाटा स्काई है, सन डायरेक्ट है, एयरटेल है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिंक सुपर FTA बॉक्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल वहां पर है, तो वहां से आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी DTH एक्सेसरीज जो भी चाहिए, म्यूजिक एक्सेसरीज चाहिए, जैसे कि आपके हेडफोन्स है, एक नेक बैंड है, ईयरबड्स है, तो वो भी आपको वहां पे अवेलेबल है, तो वो भी आप हमारे से खरीद सकते हैं TwoCousinsStore.in से। सामने आपको मैंने फ्लैश कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। 100% फ्री शिपिंग आपके लिए रहती है, आपको कोई भी शिपिंग चार्जेस पे नहीं करने होते और आपको 100 रुपीज और भी ऑफ दिए जा रहे हैं। नमस्कार।